तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोस्तों, मेरे ब्लॉग चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अपने यहाँ पास में ही भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। इसे बटेश्वर कहते हैं और जो बटेश्वर धाम है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे भोले बाबा के जो साइड में जो जमुना बहती है वो बताते हैं वो उल्टी बहती है दोस्तों, आगे जाके उल्टी हो गई है, मुड़ गई है। तो ऐसे करके हम आज सावन का पहला वो दूसरा सोमवार है और सोमवती भी पड़ी है, तो उसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में लोग जा रहे हैं। देखिए, और आजकल जो क्रेज़ चल रहा है दोस्तों, डाक कांवर का चल रहा है, तो डाक कांवर हमारे यहाँ बहुत चढ़ रही है इस टाइम पे। तो ये जंगल से होके रास्ता जाता है, तो जो गाड़ियाँ हैं वो वहीं पे कम से कम 2 किलोमीटर दूर खड़ी रह जाती हैं। टेम्पो वगैरह जो मोटरसाइकिल वगैरह वो जा रही हैं, पर हम लोग तो पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि टेम्पो से आए थे तो वही पैदल ही जाना पड़ रहा है। 2 किलोमीटर पैदल हमको भोले बाबा के दर्शन करने के लिए जाना है और काफ़ी थक जाते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। देखिए, मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे और प्रसादी वगैरह है, मिश्री है, ये देखिए प्लेटें हैं, हर एक मतलब उसकी हैं प्लेटें, जैसे 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की। तो जो भी इच्छा हो भक्तों की, वो भगवान को जैसी श्रद्धा हो चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, हमने भी प्लेट वगैरह ली, हम लोग भी अब भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। और इतनी भीड़ थी दोस्तों कि पूछो मत। यहाँ पे लाइन कम से कम जो दर्शन करने के लिए लगी थी वो समझ लो 6-7 घंटे में भी नहीं आनी थी। तो हमारे यहाँ पे 101 मंदिर है भोले बाबा के, तो हमने सोचा भगवान तो एक से होते हैं, चाहे किसी पे भी चढ़ा दो। तो बड़े भोले बाबा जो मेन मंदिर है उसके दर्शन नहीं कर पाए। तो काफ़ी बहुत बड़े शिवलिंग यहाँ पे बने हुए हैं, तो हम लोग बगल में ही एक साइड में भोले बाबा का मंदिर था, उसमें हम लोग दर्शन कर लिए आए। और दोस्तों देखिए, कितनी जमुना कितनी चढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा। और दिल्ली में तो इसने प्रलय सी ढा दी है, लाल किले तक पानी और दिल्ली तक आ गया है दोस्तों। तो वही वाली जमुना है, ये हमारे यहाँ से भी होकर निकली है। तो यहाँ पे भी देखिए, ये मंदिर है साइड में, तो 5 सीढ़ी नीचे चल रही है जमुना और काफ़ी भक्तों की तादाद है देखने को कि जमुना मैया कितनी चढ़ी हुई हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ज़्यादा पानी है, जो घास वगैरह है तो वो भी समेट के वो लेके जा रही हैं। तो और काफ़ी जो मिट्टी से होता हुआ पानी है, मिट्टी लिप्त पानी है, तो काफ़ी गंदा सा पानी हो जाता है बरसात में। तो लोग बाग तो भी देखिए श्रद्धा के वसीयत होके नहा रहे हैं सीढ़ियों पर। भाई, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, क्योंकि बहुत गहरी है जमुना और पानी भी बहुत है। तो लोग सीढ़ियों पर नहा रहे हैं, हम लोग तो घर से ही नहा के आए थे। और स्टीमर भी दोस्तों लगा हुआ है कि कोई गिरा जाए तो उसके लिए, हेल्प के लिए। तो लोग खड़े हैं, गोताखोर खड़े हैं जो पानी में फटाफट घुस जाते हैं। तो देखिए, ये मेरी भतीजी लगती है, तो भैया ही लड़की है, वो नहा रही है, वो नहीं मानी तो वो जो कपड़े पहने के गई थी उसी में नहा लिए। तो कि बुआ मेरे को तो नहाना है, मैंने बोला नहा लो। तो काफ़ी लोग नहा रहे हैं और अच्छा भी लगता है नहाने में। इन दिनों तो नहा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जब जमुना का पानी बहुत कम होता है तो यहाँ पे नहाने में थोड़ा बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो गांव साइड में ये जो पड़ता है तो यहाँ के लोग बेशक मंदिर है पर साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, नहाने को दिल नहीं करता है। तो दोस्तों, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और भैया रह गए हैं पीछे, तो हमने सोचा कि पहले ढूँढ आते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, वो आ जाएँ तभी चलें। तो दोस्तों, हमारा जो है दर्शन वगैरह भगवान का हो गया है और हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे मूवमेंट जो होते हैं कहीं जाने आने के वो मैं डालती रहती हूँ।
तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो बताइए, क्योंकि शिवलिंग के दर्शन में करा नहीं पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी, सर पे सर हो रहा था, अगर कहीं गिर गए तो वहाँ बचना बहुत मुश्किल था। इसलिए अगर शिवलिंग के दर्शन में फिर कभी कराऊंगी, जब बिल्कुल जब कम भीड़ होगी फिर जाऊंगी। तो तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार, राधे राधे।